मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताएंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे उच्चिष्ट क्या होता है, निम्निष्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक अक्ष है, एक्स अक्ष और कितना वाई अक्ष, यहाँ मान के लिए चलते हैं, माना वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन दिया रहेगा वो वाई अक्ष कटेगा। जैसे यहाँ पे कोई तीन बिंदु हम लेके चलते हैं, ए पहला बिंदु, यानी सारे जो बिंदु भी रहेंगे वाई एच के समांतर है, कहाँ पे रहेगा वाई एच के समांतर। और उसके बाद सेकेंड बी, फिर उसके बाद सी, फिर यहाँ पे इस टाइप के तीन फंक्शन को लेके चलते हैं। यहाँ देखिएगा जो भी रहेगा वो तीनों यानी कि वाई एच के समांतर है, ए वाला भी बिंदु वाई एच के समांतर रहेगा, बी भी वाई एच के समांतर रहेगा, और सी भी क्या रहेगा वाई एच के समांतर रहेगा, वाई एच के समांतर। बी भी आपका क्या होगा वाई एच के समांतर। यहाँ आपको यही ध्यान देना पड़ेगा कि जो ए है, ए देखिएगा वाई एच के समांतर है, लेकिन ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे उच्चिष्ट मान लेंगे। और बी क्या है नीचे की तरफ है, ए से नीचे आ रहा है, एक्स अक्ष की ओर झुक रहा है, इसको क्या बोलेंगे निम्निष्ट। ध्यान दीजिएगा ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको हम लोग उच्चिष्ट मान बोलेंगे, और नीचे की तरफ आएगा क्या होगा निम्निष्ट मान होगा। तो यहाँ पे ए सी, ए सी क्या है उच्चिष्ट मान हो जाएगा, बी और बी क्या हो जाएगा निम्निष्ट मान हो जाएगा। देखिए उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान निकालते कैसे है, जो भी फलन दिया रहेगा सबसे पहले फलन का हम एक्स के सापेक्ष डी बाई डी एक्स करेंगे, तो फलन का डी बाई बाय डी एक्स सबसे पहले यही निकालना, फलन का डी बाई डी एक्स। और उसके बाद फिर सेकेंड बार डिफरेंशियल करेंगे, यानी सेकेंड डिफरेंशियल सारे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, दूसरी बार अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे यदि डी वाई पॉइंट डी एक्स का मान, यानी डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर का धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा तो फलन निम्निष्ट होगा, फलन क्या होगा निम्निष्ट। लेकिन यदि ऋणात्मक आएगा फलन क्या होगा उच्चिष्ट, यही से उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पता करेंगे। सबसे पहले dy / dx निकाल लेंगे, फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे dy / dx को 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करने का x का मान निकालेंगे कितने पर उच्चिष्ट होगा और कितने पर निम्निष्ट होगा, वहीं से पता करेंगे कितने पर उच्चिष्ट होगा और कितने पर निम्निष्ट होगा। तो उच्चिष्ट का मतलब क्या हुआ फलन से ऊपर की ओर, अच्छे से ऊपर की ओर, निम्निष्ट का मतलब अच्छे से नीचे की ओर। देखिएगा एक क्वेश्चन लेके हम आपको समझाते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान क्या है। देखिएगा इसमें करना क्या है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसको आप मान लीजिए y इक्वल टू x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। फंक्शन का x के सापेक्ष dy dx करेंगे, यहाँ हो जाएगा dy / dx equal to 3x square, यहाँ 2 2 जा 4x plus 1। उसके बाद यहाँ से हमें अब इसका हम सेकेंड पार्ट डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड पार्ट dy dx करेंगे b square y / dx square equal to यहाँ 6 minus कितना होगा 4, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ जो फर्स्ट पार्ट dy dx करेंगे dy / dx equal to क्या 0 को करेंगे, dy / dx equal to कितना दिया गया है 3x square minus 4x plus 1, dy / dx equal to कितना रखेंगे 0 equal to 3x square minus 4x plus 1। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 0 equal to 3x square 3 plus 1 x plus 1, उसके बाद 0 equal to 3x square minus 3x minus x plus 1, इसमें देखिएगा कितना कॉमन है 3, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1।
सारा कॉमन मिल रहा है, एक ब्रैकेट में x माइनस वन और यहाँ कितना 3x माइनस वन। यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार 3x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू कितना आएगा 1 बाई 3। x के दो मान आएगा, पहला मान कितना है x बराबर 1 का, दूसरा कितना है x बराबर 1 बटा 3। तो यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे, पहले x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x इक्वल टू कितना रखेंगे, यहां होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, x में x कितना पुट करना है 1, माइनस कितना हो जाएगा 4, सॉल्व करेंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 2। ये बताइए 2 धनात्मक है यानी पॉजिटिव है भाई, जब भी पॉजिटिव रहेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, x बराबर 1 पर क्या होगा डिक्रीज होगा। उसके बाद x इक्वल टू कितना पुट करेंगे 1 बाई 3, x इक्वल टू 1 बाई 3 रखने पर समीकरण 1 में, यहां समीकरण 1 कितना दिया गया था d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 4, 6 मल्टीप्लाई x का वर्ग कितना पुट करेंगे 1 बाई 3, 1 बाई 3 माइनस 4, 3 2 जा 6 हो जाएगा 2 माइनस 4, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 आएगा। ये देखिए एक निगेटिव वैल्यू आया है, तो ऋणात्मक में आया है, ऋणात्मक में आएगा तो x इक्वल टू 1 बाई 3 पर क्या होगा उच्चिष्ट होगा। ये तो हम पता कर लिए हैं कि कितने पर उच्चिष्ट होगा और कितने पर निम्निष्ट होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन से बोल रहा है उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान क्या है, उच्चिष्ट और अथवा निम्निष्ट मान कहाँ से निकलेगा, फलन से निकलेगा, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसी फंक्शन से ही हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालेंगे। तो फंक्शन कितना दिया गया है, जितने पर उच्चिष्ट और जितने पर निम्निष्ट है वहीं से पता करेंगे। तो फंक्शन देखिए y = कितना माने y = माना गया है, y = फंक्शन ये दिया गया, तो x बराबर 1 पर क्या था, x बराबर 1 पर निम्निष्ट था, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में, x = कितना पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो यहां से निम्निष्ट मान निकलेगा, क्या होगा निम्निष्ट मान के लिए यहां से निम्निष्ट मान निकालेंगे y = 1 - 2 + 1 + 6 y equal to यहाँ पे 8 minus 2 equal to 6 आएगा, तो ये आपका 6 जो आया वो क्या होगा निम्निष्ट मान होगा। इसी प्रकार जब उच्चिष्ट मान निकालेंगे तो उच्चिष्ट मान के लिए x बराबर 1 by 3 पुट करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे उच्चिष्ट मान के लिए उच्चिष्ट मान के लिए क्या करेंगे x equal to 1 by 3 पुट करेंगे, क्या आएगा y equal to 1 by 3 का whole power 3 हो जाएगा minus 2 1 by 3 का whole square plus 1 by 3 plus 6, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ कितना होगा 27 2 multiply 9 plus 1 by 3 plus कितना 6, पूरा LCM लेंगे कितना आएगा 1 9 से 27 के यूनिट शेयर, इसके बाद 9 42 6 2 12 4 16 4 करेंगे कितना आएगा ये 9 2 11 12 172 माइनस 6 5 कितना 27, इसको घटाएंगे कितना आएगा 6 166 बटा कितना 27। ये जो आएगा ये फलन का क्या आएगा उच्चिष्ट मान, और ये फलन का निम्निष्ट मान कितना आया था 6 आया था, और उच्चिष्ट मान कितना आया था 166 अपॉन कितना 27, ये आपका क्या है उच्चिष्ट मान है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान हम लोग ऐसे ही याद करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है log x अपॉन y का उचित मान क्या है। यानी मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करना है। देखिएगा सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा मैक्सिमा वैल्यू कब रहेगा जब सेकंड पार्ट डिफरेंशियल करेंगे तो वहां से नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। तो हम यहां पे लेट करेंगे y = कितना log x / x। देखिएगा यहां पे a / d का फार्मूला बन रहा है। जब फर्स्ट बार d / dx करेंगे यहां हो जाएगा d y / dx equal to b का होल स्क्वायर होगा b ऐसे लिखेंगे d by dx a माइनस a लिखेंगे d by dx b इसको सॉल्व करेंगे d by dx equal to x log x का d by dx 1 by x log x ऐसे लिखेंगे x का होल है पूरे का पान x स्क्वायर x से x कैसे d by dx equal to 1 minus log x पूरे का पान कितना x स्क्वायर। यहां से देखिएगा dy / dx का dy / dx = 0 पुट करेंगे 0 = कितना हो जाएगा 1 minus log x / x स्क्वायर। x स्क्वायर का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा 0 = 1 minus log x। log x को इधर लाएंगे तो log x = कितना हो जाएगा log 1 को e बेस पे e लिख सकते हैं। यहां से इसका कंपेयर करेंगे dx का वैल्यू कितना आएगा ये फार्मूला होता है बेस और आधार समान रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। देखिए log के बाद हम सेकंड बार d/dx करेंगे तो यहां से d2y यानी जो dy/dx का वैल्यू निकल आएगा dy/dx का वैल्यू कितना 1 minus log x पूरे का पावर x स्क्वायर। सेकंड बार dy/dx करेंगे तो यहां देखिए a/b का फिर फार्मूला बनेगा b का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 / 4 उसके बाद b लिखेंगे d/dx a माइनस a ऐसे बनाएंगे d/dx b d2y / dx2 = x स्क्वायर 1 का 0 हो जाएगा उसके बाद माइनस log का वन अपॉन log x हो जाएगा उसके बाद 1 माइनस log x ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर का 2x d/dx पूरे का पावर x पावर 4 x से x कैंसिल हो गया उसके बाद देखिएगा x कॉमन माइनस x कॉमन माइनस x कॉमन लेंगे तो यहां पे 1 प्लस 2 1 माइनस log x पूरे का पावर x पावर 4 इससे कैंसिल हो जाएगा यहां माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 log x पूरे का पावर x पावर 3 यहां d स्क्वायर y / dx स्क्वायर। तो ये देखिए फंक्शन जो है पहले मतलब जो हम dy / सेकंड बार डिफरेंशिएट किए हैं तो यहां से d स्क्वायर y / dx स्क्वायर का जो वैल्यू आया है लेकिन नेगेटिव आया है यानी ऋणात्मक आया है। जब भी ऋणात्मक आएगा तो अब यहाँ पे x का चाहे जो भी मान हो यहाँ माइनस आ गया तो ध्यान दीजिएगा पूरा वैल्यू निकल रहेगी माइनस रहेगा x equal to e पर क्या होगा e पर फलन उचिष्ट होगा यही हमें सिद्ध भी करना है। यानी यहाँ से उचिष्ट मान ज्ञात करना तो उचिष्ट मान के लिए क्या करेंगे x का वैल्यू हम लोग e यहाँ पे पुट कर देंगे जो आएगा वही उचिष्ट मान हो जाएगा। समझ में आया उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है कि प्रूफ करना है आपको साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स का मान उच्चिष्ट होगा, यानी उच्चिष्ट मान कितना होगा रूट टू, उच्चिष्ट मान रूट टू। देखिए यहाँ पे फंक्शन y = मानेंगे y = sin x + कितना cos x, x के सापेक्ष dy/dx करेंगे तो कितना आएगा dy/dx = sin का dy/dx cos x हो जाएगा, cos का माइनस sin x, dy/dx = 0 पुट करेंगे 0 = कितना हो जाएगा cos x - sin x, sin इधर माइनस में इधर आएगा, sin x = कितना cos x, या यहाँ पे sin upon cos = tan x, यहाँ 1 हो जाएगा तो tan x = 1, tan में कितने का वर्गमूल होता है 45 का हो जाएगा, यहाँ से x का वर्ग कितना आएगा 45, ये x का वर्ग है। सेकंड नंबर dy/dx करेंगे d2y upon dx square, सेकंड बार जब x के सापेक्ष इसका dy/dx करेंगे तो cos का कितना हो जाएगा माइनस sin और sin का cos x, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो sin x का कितना आएगा cos x। देखिएगा ये जो पहलू आया है यानी कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का यहां नेगेटिव में आ जाए तो x का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे x = π/4, i by 4 करेंगे तो यहाँ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस sin π by 4 मतलब 45, उसके बाद कितना हो जाएगा 45 sin 45 कॉमन by root 2 प्लस cos 45 कॉमन by root 2, 2 by कितना आएगा root 2, root 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं माइनस 2 root 2 by कितना आएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा माइनस, ये तो यहां से पता चला कि x इक्वल टू ये पाई बाय 4 पर क्या होगा उच्चिष्ट होगा, लेकिन ये बोला है उच्चिष्ट मान रूट 2 होगा, तो उच्चिष्ट मान के लिए क्या करना पड़ेगा x इक्वल टू पाई बाय 4 फंक्शन में पुट करेंगे, x इक्वल टू पाई बाय 4 कहां पुट करेंगे फंक्शन, यहां x बराबर पाई बाय 4 y equal to कितना हो जाएगा sin pi by 4 plus cos pi by 4, sin 55 है इसका वैल्यू कितना होगा 1 by root 2, cos 54 का भी 1 by root 2, 2 by root 2 आएगा, root 2 से multiply भी कर रहे हैं root 2 से divide, यहाँ 2 root 2 by कितना आएगा 2, 2 से 2 ऐसे y equal to कितना आया यहाँ लिख देंगे x equal to pi by 4 पर क्या होगा फलन उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान कितना आया ये आपका उच्चिष्ट मान, ये जब एक पूर्ण मान ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन सुसाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रूफ करना है साइन पावर पी थीटा इनटू कॉस पावर क्यू थीटा का उच्चिष्ट मान थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स पी बाई क्यू, थीटा इक्वल टू कितना टैन इनवर्स पी बाई क्यू, सबसे पहले यहाँ y equal to फंक्शन को लेके चलेंगे, देखिए डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट टर्म सेकंड बनेगा, यहाँ हो जाएगा dy upon dx equal to फर्स्ट ऐसे लिखेंगे सेकंड का dy dx प्लस सेकंड ऐसे नोट करेंगे फर्स्ट का dy dx, यहाँ थीटा के सापेक्ष होगा तो
क्योंकि फंक्शन में थीटा दिया गया है। देखिएगा उसके बाद dy / d थीटा इक्वल टू sin पावर p थीटा। ये देखिए x पावर n का फार्मूला बन रहा है, q इसके पावर n की कमी होगी, उसके बाद cos का माइनस sin थीटा प्लस cos पावर q थीटा पी मल्टीप्लाई टाइम आएगा उसके पावर में कितने कमी होगी 1 की, और उसके बाद sin का कितना हो जाएगा cos। इसको सॉल्व करेंगे तो dy / d थीटा का वैल्यू हम लोग यहां से 0 पुट कर देंगे, तो 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर डी कितना हो जाएगा sin पावर p थीटा q, उसके बाद cos पावर q थीटा / cos माइनस साइन प्लस क्या बनाएंगे कॉस पावर क्यू थीटा पी ऐसे लिखेंगे साइन पावर पी थीटा इनटू कॉस थीटा पूरे के अपॉन साइन थीटा। देखिए माइनस में इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू साइन पावर पी थीटा कॉस पावर क्यू थीटा पूरे के अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस पावर क्यू थीटा साइन पावर पी थीटा इनटू कॉस थीटा पूरे का पावर साइन। यहां देखिएगा कॉस पावर पी साइन पावर पी साइन पावर पी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कॉस पावर पी क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां आएगा कितना साइन साइन के लिए साइन स्क्वायर क्यू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा पी कॉस स्क्वायर थीटा या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू, यहाँ से टाइम स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई क्यू या tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर ओवर p / q, यहां से थीटा का वैल्यू जो आएगा tan इनवर्स p / q, एक इसका वैल्यू आया थीटा का वैल्यू आया, तो हम देखिएगा ये जो थीटा का वैल्यू आया है tan इनवर्स p / q पर इसी पर बोल रहा है कि फंक्शन इस पे क्या होना चाहिए उचिष्ठ होना चाहिए। उचिष्ठ मतलब जो भी फंक्शन आएगा फंक्शन का दूसरी बार सेकंड बार d / dx करेंगे वो माइनस में होना चाहिए, जब हम फंक्शन का d / dx सेकंड बार करेंगे वो माइनस में आएगा तो x थीटा इक्वल टू tan इनवर्स p / q पर क्या हो जाएगा उचिष्ठ मान में, तो यहां से हम फंक्शन का सेकंड बार d / dx करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, देखिएगा जैसे यहाँ दिया गया है dy / d थीटा इक्वल टू माइनस q sin p थीटा cos q थीटा इनटू थीटा, यहाँ पे p माइनस वन करेंगे प्लस क्योंकि यहाँ पे sin थीटा है sin थीटा, यहाँ p cos q माइनस वन थीटा sin p माइनस वन थीटा। देखिएगा यहाँ भी फर्स्ट हो जाएगा सेकंड, यहाँ भी फर्स्ट हमें कितना सेकंड फर्स्ट सेकंड बनाएंगे, यहाँ बनेगा d स्क्वायर y पार d थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस q लिखेंगे साइन पावर p माइनस वन थीटा d बाई डी एक्स कॉस p माइनस वन मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके पावर मोन क्या हो जाएगा कमी हो p माइनस टू थीटा कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस p माइनस वन थीटा ऐसे लिखेंगे p माइनस वन मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसके पावर में p माइनस टू थीटा और साइन का तो आप ठीक है फर्स्ट कर दो। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक फंक्शन में सबसे पहले ही माइनस आया है, तो ध्यान दीजिएगा पूरा पूरा जो है थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स p / q पर फलन क्या होगा उचित होगा। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, इसको साल करेंगे तो साल होगा, लेकिन हमें खाली माइनस और प्लस देखना है। माइनस आ गया तो ध्यान दीजिएगा थीटा इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसके क्या होगा उचिष्ठ मान रहेगा, यही ध्यान देना है माइनस और प्लस का, तो माइनस में आया तो थीटा क्या होगा
उच्चिष्ट मार्ग हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव करना है x पावर x का x बराबर e पर निर्दिष्ट होगा। x बराबर e पर क्या होगा निर्दिष्ट, y इक्वल टू x पावर x है, स्क्वायरिंग लॉग लॉग लेंगे दोनों तरफ, यहाँ लॉग x पावर x हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू x लॉग x, ये फर्स्ट हो जाएगा कितना सेकेंड। इसका d by dx करेंगे तो 1 by log d by upon dx, फर्स्ट लिखेंगे सेकेंड का 1 upon x, सेकेंड लिखेंगे फर्स्ट का 1 हो जाएगा। यहां से d by upon dx equal to 0 पुट करेंगे, x से x कैंसिल 1 प्लस कितना log x, ये माइनस 1 equal to कितना हो जाएगा log x। e और आधार सेम, बेस और आधार इक्वल रहेगा, इसका मान कितना है 1, यहां पे log e बेस माइनस 1 इक्वल टू log e बेस x, यहां से x का वैल्यू जो आएगा x इक्वल टू e पावर माइनस 1 या x इक्वल टू 1 अपॉन कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे सेकंड बार d by dx करेंगे तो 1 by y dy upon dx इक्वल टू 1 प्लस log x, यहां से dy upon dx इक्वल टू y 1 प्लस log x। इसमें भी देखिए ये फर्स्ट हो जाएगा कितना सेकंड, तो d स्क्वायर y upon dx स्क्वायर इक्वल टू y लिखेंगे, सेकंड का d by dx करेंगे तो 1 upon x, प्लस सेकंड ऐसे लिखेंगे फर्स्ट का d by dx करेंगे dy upon dx, ये मान पूरा किसमें आया पॉजिटिव आया है, x इक्वल टू यानी कि फंक्शन क्या होगा निर्दिष्ट होगा, x इक्वल टू 1 by e पर फलन क्या होगा निर्दिष्ट होगा। ये हमारा उच्चिष्ट और निर्दिष्ट मान हो गया, यानी चैप्टर में हम सारे क्वेश्चंस को करा दिए हैं एक एक क्वेश्चंस, बाकी आप कहिएगा जो भी क्वेश्चंस नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।